Different dreams. Before we dive into the treasure trove, रौनक तो बड़ी वरना ये महफिल जज्बात अधूरी ही रह जाती. Miss welcome with a huge round of applause. I wish all of you ऐसे पढ़ा जाए. I would like to call Toy. लिहाज से क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एक जो बुक रीडिंग का कल्चर है वो काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, और आज की डिजिटल एज में जहां वीडियोस और बाकी लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं या बाकी तरह से जो चीज़ें हैं वो बच्चों के सामने रहती हैं, तो बहुत ज़रूरी है हम बुक रीडिंग को रिवाइव करें. क्योंकि जो डिटेल जिस तरह से बुक रीडिंग में जाया जा सकता है, जो डिटेल्स उससे मिल सकती हैं, वो मुझे लगता है कि बाकी मीडियम से मिलना भी मुश्किल रहता है. दूसरा, इससे अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है बच्चों का जब वो, और पेशेंस बढ़ती है जब वो पढ़ते हैं, ग्रास्प ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, रिविजन में आसानी होती है. और एक जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है. अगर हम यूट्यूब पे चले जाएं तो एक टॉपिक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो एक कंसाइज एक जगह इन्फॉर्मेशन अगर एक बुक देती है तो वो ज़्यादा ईजी रहता है बच्चे के लिए, और वो ओवरवेलम नहीं होता उसको, मेंटली वो ईजी लगता है उस चीज़ को पढ़ना. तो बड़ा ज़रूरी है बुक रीडिंग का जो कंसेप्ट है का ये जो ट्रेडिशन है इसको कायम रखें और बच्चों में इनकलकेट करें बुक रीडिंग हैबिट्स. और मैं इनसे गुजारिश करूंगा और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे भी कि बुक रीडिंग क्लब्स बनाएं जिनमें हर महीने के एंड पे उनकी इंटरेक्शन हो, एक एक बुक वो क्लब्स पढ़ के आए. पहली बार मेगा बुक फेयर हो रहा है, डिफरेंट कंपनीज दिल्ली से आए हैं, श्रीनगर से आए हैं, सोपोर से आए हैं, बड़ी बड़ी जगहों से लोग अपने बुक वेंडर्स आए हैं यहाँ पे अपनी किताबों का नुमाइश करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लोग भी उत्साहित है इन बुक्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए. मेन कंसेप्ट हमारा यही है कि जो ट्रेडिशन ख़त्म हो चुका था बुक्स को पढ़ने का, क्योंकि डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो उसको चीज़ को रिवाइव करने के लिए हमने ये बुक फेयर किया है. मतलब यही है कि लोगों में कि पढ़ना लिखना फिर से शुरू हो जाए घरों घरों में. और जो काफ़ी कुछ लोग नावल लिखते थे, कुछ लोग ड्रामा लिखते थे, कुछ लोग रिसर्च करते थे, वो जो बुक का वो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो चुका था. गूगल के जो आपने देखें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजी में भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स लोगों पे आ चुके हैं. उस वजह से हम इस चीज़ को रिवाइव करना चाहते हैं ताकि घर घर बुक मिले, बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करें और इसमें मसरूफ़ रहें ताकि उनकी ज़िंदगी आगे और रिसर्च में आ जाए और वो आगे बढ़े.